तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्रैक इट। तो कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम कर रहे थे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, तो हमने बेसिक्स के सवाल कर लिए थे, उसका अभी टाइप टू बाकी था जो दोस्तों आज हम करेंगे। तो हम टाइम को वेस्ट ही नहीं करते दोस्तों, और जल्दी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं दोस्तों इस क्लास में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज के जो क्वेश्चंस है ना, उनकी जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होने वाली है। तो इसे दूर करने के लिए ना दोस्तों, आपको इसे बहुत केयरफुल होकर रीड करना है। अगर आप इसे केयरफुल होकर रीड करेंगे ना, तो एक या दो बार में इसका मतलब निकालना सीख जाएंगे। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन बनना है। बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन होने का मतलब दोस्तों, आपको एक कैरेक्टर बन जाना है उसका, ताकि आप रिलेशन जोड़ते रहें और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जहां से छोड़ा था वैसी सवाल को वापस देखते हैं। तो ये सवाल क्या कहना चाहता है, ये सवाल कह रहा है, अ ह्यूमन गोइंग विद अ बॉय इज आस्क्ड बाय अ अनदर ह्यूमन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अ ह्यूमन रिप्लाइड, माय मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विद दैट बॉय। तो दोस्तों, इसमें क्या कहना चाहता है, सपोज एक लड़का है, उसके एक मामा जी हैं, और उस मामा जी के भी एक मामा जी या चाचा जी हैं, और वही मामा जी या चाचा जी उस लेडी के भी मामा जी या चाचा जी हैं। आपको समझ में आया? आई एम श्योर नहीं आया होगा। अभी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे ये कैसे होगा। सपोज आप वो लड़के हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया वो बॉय, आप ये वो लड़के हैं, ठीक है। अब आपके एक मैटरनल अंकल है, ठीक है, आपके एक मामा जी हैं, तो ये हो गए मैटरनल अंकल, ठीक है दोस्तों। इनके भी एक मैटरनल अंकल, यानी इनके ये सॉरी इनके भी एक अंकल हैं, तो ये हो गए इनके अंकल। अब दोस्तों, ये जो अंकल है ना, ये उस लेडी के भी मैटरनल अंकल हैं, ठीक है, उस लेडी या उस वीमेन के भी मैटरनल अंकल हैं। अब दोस्तों, ये पूछना चाहता है ये इनका क्या रिलेशन होगा दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो अंकल है ना, वो लेडी के भी अंकल हैं और इनके मैटरनल अंकल के भी अंकल हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, या तो ये कज़न होंगे या ये भाई बहन होंगे। अब ये दोनों अगर भाई बहन हुए या कज़न हुए, तो ये लड़का ये लेडी क्या होगी, इसकी बुआ होगी, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया आंट, और ये लड़का इनका नेफ्यू है, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा उससे सिंपल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता, अ वुमन सेड शी इज द बीज मदर, ठीक है, वो क्या कहती है, वो बी की माँ है, एक औरत है, समझो ये वीमेन है, वो वीमेन, ये दोस्तों ये हो गई वो वीमेन। उसके बाद दोस्तों क्या कहना चाहती है, ये बी की माँ है, बी का जेंडर दोस्तों अभी यहां पर क्लियर नहीं है, ठीक है। एंड ए इज बीज ब्रदर, ए क्या है, बी का भाई है, ए को बी का भाई बना देते हैं हम, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। उसके बाद क्या कहना चाहता है, हर फादर इज डी, हर फादर इज डी का मतलब हो गया दोस्तों, इसके पिता का डी है, ठीक है, इसके पिता हो गए डी, हर फादर इज डी। उसके बाद दोस्तों ये क्या कहना चाहता है, डीज मदर इज ई, मतलब ये चार जनरेशन का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसकी जो मम्मी है डी की वो है ई, ठीक है दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ इज ए रिलेटेड टू द वीमेन्स मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू द वीमेन्स मदर, ए कैसे रिलेट करेगा वीमेन की मदर से, तो वीमेन की मदर तो अभी यहां पर है ही नहीं, वो हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ये हो गई वीमेन की मदर, ठीक है। अब ये पूछना चाहता है, और बी का जेंडर क्लियर नहीं है, अब ये पूछना चाहता है ए कैसे रिलेट करेगा बी से। सपोज दोस्तों आप ये हो और ये आपकी मम्मी है, और ये आपकी मम्मी की मम्मी है, मतलब आपकी नानी या ग्रैंड मदर, तो आप अपनी नानी के क्या लोगोगे, या ये कैरेक्टर क्या लगेगा, ये लगेगा ग्रैंड सन, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ग्रैंड सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल सेड टू अ वुमन, एक बच्ची है वो एक औरत को कह रही है, योर सिस्टर इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स फादर्स इन लॉ, वो क्या कह रही है दोस्तों, योर सिस्टर मतलब क्या कह रही है औरत को, कि जो आपकी बहन है ना, इकलौती बहन, वो बच्ची है मेरे फादर के फादर इन लॉ की। तो दोस्तों बहुत ही घुमा के पूछा गया है ये क्वेश्चन हमको, अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ना, तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो क्या है दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, अ गर्ल सेड टू अ वुमन, एक लड़की है वो औरत को कह रही है, योर ओनली सिस्टर, ठीक है,
ये वो हो गई वो, तो ये हमारी हो गई वो वुमेन, वुमेन। इसकी क्या है, एक इकलौती बहन है, सिस्टर, ठीक है, इसकी हो गई है इकलौती सिस्टर। उसके बाद आगे क्या कहना चाहता है, इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर्स इन लॉ। अब यहां पर एक बात कही गई है दोस्तों, माई फादर्स फादर इन लॉ मतलब वो लड़की, ये हो गई। अब क्या कहना चाहता है, माई फादर फादर्स इन लॉ, ये हो गए उसके पिताजी। अब माई फादर फादर इन लॉ तभी हो सकता है दोस्तों, इसने जब किसी किसी से शादी करी हो और उसका कोई पिता हो, तभी ये उसकी बेटी कहलाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाहता है, हाउ इज दैट गर्ल्स मदर, गर्ल्स की जो मदर है इस विमेन से कैसे रिलेट करेगी। तो दोस्तों ये इनके इनका क्या रिश्ता हो गया, इनका रिश्ता हो गया दोस्तों बहनों का, तो ये एक दूसरे की हो गए सिस्टर्स। चलिए दोस्तों रूबरू होते हैं अगले सवाल से। अगला सवाल क्या कहना चाहता है, हाउ इज गीता रिलेटेड टू सीता, गीता सीता से कैसे रिलेट करेगी। इफ द सिस्टर ऑफ गीताज फादर इज सीताज ग्रैंड मदर, तो क्या कहना चाहता है दोस्तों, ये कहना चाहता है द सिस्टर ऑफ गीताज फादर, तो ये हो गई दोस्तों हमारी गीता, गीता, और ये हो गए गीता के पिताजी, गीताज फादर, और ये गीता फादर की हो गई सिस्टर, ठीक है दोस्तों। और ये सिस्टर क्या है दोस्तों, ये सिस्टर है ग्रैंड मदर किसकी, सीता की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है, ठीक है। अब ये क्या पूछना चाहता है, अब ये पूछना चाहता है हमसे, हाउ गीता इज रिलेटेड टू सीता, गीता कैसे रिलेट करेगी सीता से। तो सपोज दोस्तों ये देखो कि जो गीता है या तो वो कजन बहन होगी सीता की मदर की या फादर की, तो या तो दोस्तों ये इसकी बुआ होगी या मौसी, और इंग्लिश में दोस्तों ये होगी आंट, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों हमारा आंट। बिफोर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर दोस्तों आप इस कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए ना दोस्तों, तो आप लगभग हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हमारा क्या है, रजत वाइल टॉकिंग टू अ लेडी सेड, रजत क्या कर रहा है, एक औरत से बात कर रहा है, वो क्या कहता है, योर सन इज द नेफ्यू ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या कहना चाहता है कि सपोज आप रजत हो, ठीक है, आप रजत हो और आप एक औरत को बोल रहे हो, क्या कह रहे हो कि योर सन, तो ये हो गई वो लेडी, ठीक है, ये हो गई वो लेडी योर सन, तो ये हो गया दोस्तों उसका बच्चा। उसके बाद दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है इस नेफ्यू, यह नेफ्यू है मतलब ये भांजा या भतीजा है ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर, मतलब रजत के पिताजी, फादर की ओनली डॉटर, रजत के पिताजी के फादर की ओनली डॉटर मतलब रजत की बहन, ओनली डॉटर कौन होगी, इसकी बहन। अब दोस्तों हमको ये दोनों फिगर जोड़ने हैं, तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, अगर इसको इसका नेफियो बनाना है, या तो इस लेडी और रजत के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि क्या हाल क्या लिखा है क्वेश्चन में, फादर की ये ओनली डॉटर है, तो दूसरा रिलेशन होगा दोस्तों कि ये मैरिड कपल बन जाए रजत और ये लेडी, तब ये लड़का इसका नेफ्यू हो जाएगा। अब सवाल आगे क्या कहता है दोस्तों, हाउ इज रजत रिलेटेड टू दैट लेडी, हाउ इज रजत रिलेटेड टू दैट लेडी, तो रजत क्या हो गया दोस्तों, रजत हो गया इसका हस्बैंड। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सवाल करा सकूं। तो हमारा सवाल है, अ मैन व्हाइल लुकिंग एट अनदर मैन, एक आदमी दूसरे आदमी को देखते हुए कहता है, क्या कहता है, हिज डॉटर इज द मदर ऑफ माय सन्स नेफ्यू, हिज डॉटर इज द मदर ऑफ माय सन्स नेफ्यू, तो सपोज ये हो गया दोस्तों हमारा आदमी नंबर वन, यानी हमारा मैन नंबर वन, और ये हमारे मैन नंबर टू यानी दूसरे आदमी को देखकर क्या कहता है कि हिज डॉटर, तो यानी इसकी बेटी, हिज डॉटर, तो इसकी डॉटर को डी से डिनोट करते हैं, इज द सन ऑफ, इज द मदर ऑफ अ माय सन्स नेफ्यू, तो मतलब इसका एक लड़का है, तो इसका लड़का हो गया माय सन नेफ्यू, ठीक है, इसके भतीजे की माँ है, तो इसके भतीजे की माँ है, तो इसका कोई भतीजा है उसको बना देते हैं यहाँ पर, वो इसका बेटा होगा, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों हमको इसको ना इसका नेफ्यू बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों हमको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सवाल को पूरा पढ़ना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द अदर्स मैन डॉटर, ठीक है, हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू द दिस लेडी, ठीक है, ये इससे कैसे रिलेट करेगा। तो ये इसके दो तरीके दोस्तों, ये इससे कजन बन जाए जो कि क्या दोस्तों नहीं बन सकता क्योंकि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर इनका रिश्ता भी क्या होगा दोस्तों, ये इसका अंकल हो जाएगा। मगर हमें क्या कहना है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है दोस्तों, फादर इन लॉ का। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं हम इसका एक भाई बना सकते हैं और इसकी शादी इससे करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये इसका नेफ्यू हो गया, तो ये ऑप्शन में हमको मिल गया होगा दोस्तों फादर इन लॉ। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, अगला सवाल कह रहा है, लुकिंग एट अ वुमन अ बॉय सेड, एक बच्चा एक औरत को देखकर क्या कहता है कि हर मदर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय ग्रैंडफादर, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में ये पूछना चाहता है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट बॉय, तो वो औरत उस बॉय से कैसे रिलेट करती है। तो दोस्तों हम इसको ड्रॉ करते हैं फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, हर मदर इज द सिस्टर इन लॉ, तो ये वो वुमन हो गई, ठीक है, ये हो गई वो वुमेन और इसकी एक माँ है, ठीक है दोस्तों, इसकी एक माँ है, ठीक है, ये हो गई मॉम। उसके बाद क्या कहना चाहता है, इज दिस सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय ग्रैंडफादर। अब दोस्तों जहां भी ये माय शब्द आएगा ना दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट होता है आपके लिए। अब ये माय किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, ये माय यूज हुआ है उस लड़के के लिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वो बॉय और इसका एक ग्रैंडफादर है दोस्तों, जो ये वहां पर लिख देते हैं हम ग्रैंडफादर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया ग्रैंडफादर, ठीक है दोस्तों। अब जाहिर से बात है बीच में एक पीढ़ी और होगी, तो दोस्तों उसमें एक चीज और कही गई है, उसमें क्या कहा गया है, ओनली डॉटर इन लॉ। तो ओनली डॉटर इन लॉ दोस्तों कब हो सकता है, जब इसका कोई इकलौता बेटा हो तो उसकी कोई इकलौती बहू होगी। तो दोस्तों ये आ गया इसका इकलौता बेटा विच इज हिज सन और उसकी ये हो गई इकलौती डॉटर इन लॉ, ठीक है दोस्तों, ये हो गई उसकी इकलौती डॉटर इन लॉ। अब वो पूछना चाहता है दोस्तों, अब इसको इसका सिस्टर इन लॉ बनाना है, तो दोस्तों क्या होगा, ये इसकी बहन बन जाएगी, तब ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछना चाहता है कि ये दोनों का क्या रिलेशन है दोस्तों आपस में। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दोनों का क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई बहन है? नहीं दोस्तों, इंग्लिश में ये दोनों कजन्स होंगे हमेशा, ये होंगे कजन्स, ठीक है। तो दोस्तों ये है इस क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है दोस्तों। मगर उससे पहले इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है ना दोस्तों, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर कहीं भी किसी भी जगह आपको ब्लड रिलेशन में डाउट आया अभी तक के क्लासों में, क्योंकि दोस्तों क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो एक Q&A सेशन होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि हर दो टॉपिक के बाद मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा उन दो टॉपिक्स में से, तो हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। तो सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, सवाल क्या कहना चाहता है, आनंद मदर इज चंद्र फादर सन सिस्टर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। मगर उसके बाद आगे के सवाल पढ़ते हैं, चंद्रास फादर हैज ओनली टू चाइल्ड, यहां हमको मिल गई हिंट, चंद्रास फादर हैज ओनली टू चाइल्ड, मतलब चाहे वो दो लड़की हो, चाहे लड़का हो, या फिर एक लड़की और एक लड़का हो। उसके बाद कहना चाहता है, हाउ इज चंद्रास फादर रिलेटेड टू आनंद, चंद्रा के फादर आनंद से कैसे रिलेट करेंगे। तो सवाल को बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले लिखा है आनंद मदर, ठीक है, आनंद मदर, तो ये बना दिया दोस्तों हमने आनंद, और ये हो गई आनंद की माँ, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या कहना चाहता है, चंद्रास फादर सन सिस्टर, ये क्या है, चंद्रा के फादर की सन की सिस्टर है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चंद्रा, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, चंद्रा के फादर, चंद्रा के फादर की इकलौती सिस्टर है, जो इसके फादर है, इसके दो ही बच्चे हो सकते हैं दोस्तों, हमको जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो एक तो चंद्रा खुद होगा और चंद्रा की एक सिस्टर भी होनी जरूरी है, और वही आनंद की माँ होगी। तो ये हो गया ना दोस्तों, ये हो गए चंद्रा के फादर के दो चाइल्ड, और ये इसकी बहन हो गई, जैसा कि इसमें कहा है कि चंद्रा के फादर के सन की सिस्टर, ठीक है दोस्तों।
थोड़ा सा घूमने वाला क्वेश्चन है, एक बार आप ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कहना चाहता है कि हाउ इज चंद्रास फादर रिलेटेड टू आनंद, हाउ इज चंद्रास फादर रिलेटेड टू आनंद, तो कैसे तो इनका क्या रिश्ता हो गया, जाहिर सी बात है ये इसका पोता या नाती हो जाएगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो दैट्स इट गाइड फ्रॉम माय साइड। तो आज के जो हमारे ये जो बेसिक से क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अगली क्लास दोस्तों आपकी होगी कोडेड रिलेशन के ऊपर, तो उसका क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों यहां मेंशन कर देता हूं मैं आपको। तो ऐसे ही सवाल करेंगे दोस्तों हम अगले क्लास में। अगर दोस्तों आपको ये वाली क्लास अगर अच्छी लगी और आगे की और भी क्लासें अच्छी लगी तो दोस्तों क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो यार, दोस्तों तक फैला दो अपने। अगर वैसे ही मैंने कहा दोस्तों, अगर इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करो दोस्तों, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे को आपको वो बताना है, ठीक है दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नया आया है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को।